हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं बहुत ही लॉन्ग जर्नी में। जबलपुर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर हम जाएंगे और ट्रैवल करेंगे वहां पे, और मैं आपको बताऊंगा नहीं हम कहां जा रहे हैं। ये सरप्राइज है आप सबके लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम एग्जैक्ट कहां पे हैं। अभी हम जाएंगे बाय ट्रेन, फिर बीच रास्ते हम जाएंगे बाय कार, और बहुत सारी वादियाँ आएंगी, पहाड़ आएंगे। तो बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है ये वाला, और अब तक का सबसे लंबा ट्रिप होगा। तो मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँगा, मिनी ब्लॉग भी डेली आएंगे और ब्लॉग्स भी डेली आएंगे यूट्यूब पे, देखना ना भूलिए। तो अभी चलते हैं हम रेलवे स्टेशन, वहाँ से हम पकड़ते हैं ट्रेन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन में बैठना है। हमारी ट्रेन है 4:10 की। यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले कटनी। कटनी से फिर डायरेक्ट ट्रेन है बिहार के लिए, तो हम यहाँ से रहने वाले हैं बिहार। रेलवे स्टेशन आ गए हैं और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ जाना है, वहाँ से मिलेगी ट्रेन, वहाँ जाएंगे हम कटनी। कटनी से फिर हमें दूसरी ट्रेन में जाना है बिहार के लिए। A few inches later. दोस्तों, हम कटनी जंक्शन आ गए हैं, लेकिन हम पहले उतरे थे कटनी साउथ में, उसके बाद हम कटनी साउथ से ई रिक्शा में बैठ कर कटनी जंक्शन आए हैं। दोस्तों, अभी हम कटनी जंक्शन में आ गए हैं, हमारी ट्रेन जस्ट हमारे पीछे से, इसी ट्रेन से हमें मुजफ्फरपुर के लिए जाना है। ट्रेन अभी रुकी हुई है और हम उत्तर प्रदेश आ गए हैं, और हमको बीच रास्ते में मिर्ज़ापुर मिलने वाला है। गुड्डू भैया को, कालीन भैया को प्रणाम बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत तेज हो रहा है। अभी हम हैं बनारस में, तो यहाँ से हम जाएंगे जौनपुर। मिर्ज़ापुर तो निकल गया था, मिर्ज़ापुर निकल गया तब तो मैं सो रहा था, वरना आपको दिखाता मैं कालीन भैयापुर। दोस्तों, हम जौनपुर स्टेशन पहुँचने वाले हैं। आपने मिर्ज़ापुर सीरीज देखी होगी, ये भाई जौनपुर है जिसमें उस सीरीज में बात की हुई है। बस तो 5 मिनट हम पहुँचने वाले हैं, साइड नहीं है। गाइज, हम आलू के पराठे लेने आए हैं, आलू के पराठे। जल्दी पेमेंट करो, ट्रेन निकल जाएगी, जौनपुर है ये, गोलियां चल जाएंगी। ब्लॉग बना रहे हैं आपका फेस भी आ गया। खुल नहीं रहा समझ। The next day. दोस्तों, मुजफ्फरपुर हम आ गए हैं। बड़ा है यहाँ का रेलवे स्टेशन। A lot of boring math later. हम मुजफ्फरपुर से निकल गए हैं रक्सौल के लिए। रक्सौल का रास्ता, दोस्तों हम आ गए हैं मोतिहारी में। देख सकते हैं यहाँ बाईपास है ये मोतिहारी का, और यहाँ हम एक होटल है जय सवाल होटल, यहाँ जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। दोस्तों, हम खा रहे हैं पनीर और रोटी, ग्रेवी पनीर की बहुत ही टेस्टी है। नेपाल बॉर्डर, ये देखो हाथ मिलाते हुए। One pair of pants later. बीरगंज भंसार कार्यालय आ गए हैं। यहाँ पे हम कार से आए हैं पर्सनल, तो आप देख सकते हैं इतनी सारी कार यहाँ पर खड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले परमिट कटवाना है यहाँ पे, क्योंकि हम कितने दिन के लिए नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब नेपाल के अंदर हम कितने दिन रहेंगे और कब वापस लौटेंगे, उन सबकी जानकारी हमें यहाँ देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से परमिट लेते हैं, उसके आगे जाएंगे, और करेंसी भी हमें चेंज करानी है। 2 hours later. अभी हम हिटौड़ा आ गए हैं, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। यहाँ से वादियाँ स्टार्ट हुई हैं, यहाँ से पहाड़ चालू हो गए। इस शहर से जब तक हम काठमांडू नहीं पहुँच जाते तब तक हमको वादियाँ दिखेंगी, वादियाँ चारों तरफ आप देखिए मेरे। और यहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध है, साफ है, हवा बहुत प्यारी है, और दिल खुश हो गया यहाँ आने पर, मज़ा आ गया। और यहाँ पहाड़ के ऊपर भी घर बने हुए हैं, पता नहीं लोग कैसे ऊपर जाते हैं। एक घर तो वो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर हम लोग लास्ट से आ रहे थे तो उस पहाड़ के ऊपर भी घर था, आगे भी जो पहाड़ियाँ मिली इस तरफ, यहाँ बीच से बहुत सारे घर थे, बहुत ही अच्छा भी है। आगे जाएंगे तो और मज़ा आएगा, एडवेंचरस ट्रिप होने वाली है हमारी आज की।
दोस्तों हम 50 किलोमीटर आगे आ गए हैं और यहाँ पर ठंडी लगने लगी। जैसे ऊपर चढ़ते हैं 50 किलोमीटर हम ऊपर चढ़ते 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 यहाँ देख रहे हैं बादल, यहाँ आपको बादल दिख जाएंगे। ये देखिए धुआं दिख रहा होगा, ये पूरा बादल है, हम बहुत ऊपर हैं, धूप आनी रही है, यहाँ बादल में धूप दिख रही है पर हमारे तक धूप नहीं पहुँच रही। यहाँ तो ऐसा लग रहा बहुत तेज़ ठंड है, कम से कम 8-10 डिग्री वैल्यू ठंड है यहाँ पर। बाकी रोड बहुत ही एडवेंचरस है, मज़ा आ गया। पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, ऐसे टर्न हैं बहुत सारे, आपने वीडियो में देखा ही होगा। अभी हम और आगे चलते हैं। वेलकम टू काठमांडू नेपाल। तो हम आ गए हैं काठमांडू में, हमने होटल रूम ले लिया है। तो हम कल घूमेंगे बहुत सारी जगह, पहले तो हम पशुपतिनाथ टेम्पल जाएंगे, उसके बाद हम और जो भी प्लेसेस कवर हो सकते हैं हम सबको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, ट्रेवल बहुत हो गए क्योंकि हमें 7-8 घंटे हो गए, क्योंकि पहाड़ ही पहाड़ हैं। और उसके बाद एक सिंगल रोड है तो उसमें हम लेफ्ट राइट फिर सामने से कार आ रही है फिर क्रॉसिंग हो रही, तो मतलब बहुत ही परेशानी भरा सफर था, मतलब ट्रेवलिंग बहुत हो गई टोडा से। फिर दो रास्ते हैं, एक 75 किलोमीटर का है, एक 100 किलोमीटर का है, और दोनों ही रास्ते में बहुत भीड़ थी, तो काफ़ी लंबा शेड्यूल रहा ट्रेवलिंग का। तभी थक गए हैं, तभी हम जाएंगे खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर कल घूमेंगे काठमांडू। तो कल बहुत ही मज़ा आने वाला है और ट्रिप आज की बहुत ही एडवेंचरस थी। तो बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं हम कल। बाय बाय।